शर्त ये है कि मोमिन अल्लाह जे दिनेले इन लकब जी कद्र अने अल्लाह जे दिनेले इन लकब जी कीमत करे वाला। तो इन आयत में अल्लाह ताला चे या अय्युहल लज़ीर गड़े जो मोहब्बत भरे लहजे में लकब नहीं करे अने खुदा वंदे ताला आंके अने मुके कयामत की सुबह सूदी अचे वारे आले ईमान व इस्लाम के रब इन आयत के मिजा बहुत मुदे एकड़ो हुक्म ही जने इत्तकुल्ला यानी ऐ ईमानदारो ऐ गुलामान मुस्तफा ऐ कलमा गो इंसानो जडे आवटे ईमान जी दौलत आवई जडे आंजो दिल ईमान जी शमा से रोशन थयो है त हाणे आला करे ने पहलो हुक्म ये कि तकुल्ला आई हकीकी माना में अल्लाह हमारा दिल जी वाला अल्लाह जो खौफ कुरेला करे ने कि अल्लाह जे खौफ जी बदौलत असान जो ईमान महफूज ईमान है एकड़ी वडी नियामत है जो को आमते अर्ज कियो कि कितनी वडी नियामत है। हाने शैतान जो को है इनके अदावत ईमान के साथ है अने कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाए कि इन्ना शैतान लिल इंसान अदुवुल मुबीन बेशक शैतान आज कुल्लो दुश्मन अने शैतान की दुश्मनी असा से आए मोमिने से आए तो किन कारण कि मोमिन रूपारो है इन कारण है मोमिन पैसे वालो है इन कारण है मोमिन वटे की एक मनसब ने हुद्दो है इन कारण है ना शैतान के अदावत फकत ईमान के कारण केंजे दिल में ईमान जी समा रोशन है इनके दिल में तौहीद और रिसालत जो नूर मौजूद है इन कारण इनके अदावत है अने ई कोशिश करे तो जिंदगी भर के एकरे मोमिन के दिल में जो को ईमान जी शमा भरे थी ईमान जो चराग रोशन है ई की उजे तेला करे ने ई मेहनत ने कोशिश करे अने अल्लाह ताला पामत करम के रब पामते मेहरबानी के अने ऊ खुदावंद कुद्दूस लाया।